अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रबड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसके लिए आप लोग एक पैन में 2.5 लीटर दूध लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो डब्बे वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़े से हाई फ्लेम पर बॉयल करेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो ये देखेंगे इसके ऊपर ऐसे एक लेयर आ रही है, इसको हम साइड पे कर देंगे। पैन हमने थोड़ा बड़ा लेना है कि ये ना हो कि बॉयल होके वो बिल्कुल बाहर गिर जाए। जब ये फर्स्ट लेयर आ जाएगी, फर्स्ट बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हमने अपने फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना कि बॉयल जी ना आए, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना कि वो बॉयल होके बाहर गिर। इसमें हमने बार बार इस तरह स्पून से उसको, जो ऊपर क्रीम की लेयर बनती है, उसको हमने साइड पे करते जाना है। और जब हमारा मिल्क हाफ रह जाएगा, उस वक्त तक हम इसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसमें स्पून से इसको ऊपर लेयर को साइड पे करेंगे। और जितना मिल्क आपने लिया है, जब उससे हाफ रह जाएगा तो फिर हम इसमें इस तरह देखें, इसको हमने साइड पे किया। और इसके बाद 3/4 कप हम इसमें गर्म किया हुआ खोया ऐड करेंगे। जो फीका खोया होता है वो ऐड करना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना भी ऐड करें, तो उसके अलावा भी ये बहुत मज़े की बन जाती है। अब इसको आप लाइट लाइट जो है मिक्स कर लेंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो हमने साइड्स पे क्रीम की लेयर वो की थी, वो उसको मिक्स नहीं करना। इसको साइड पे से बीच में, मतलब जहाँ पे हमने डाला है एक साइड पे, वहाँ पे मिक्स कर देना है। इसके बाद मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ। आप अगर बहुत लाइट मीठा पसंद करते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप इसमें शुगर 1 टीस्पून ऐड करें, इससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत, मतलब ख़ुद ही ऑलरेडी अच्छा मीठा हो जाता है। इसके बाद मैंने 1/4 इसमें जो है डाला है इलायची पाउडर, इसमें पाउडर डालूंगी। मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। और ये कुछ चॉप किए हुए मेरे पास आलमंड पड़े हैं, 2-3 टेबल स्पून आलमंड, और 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें पिस्ताशियो ऐड कर दिए। अब मैं इनको हल्का हल्का मिक्स कर दूंगी। लेकिन ध्यान करना है कि जो हमने लेयर साइड पर की हुई है क्रीम की, वो मिक्स ना हो। अब इसको मैं और 2 से 3 मिनट और बॉईल करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊँगी। क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी थोड़ा थिक हो गया था, और जब हमने खोया डाला तो ये उसकी वजह से और ज़्यादा थिक हो गया है। लाइट लाइट इसको मिक्स करते जाएं कि जो हमने खोया डाला था वो सही से मिक्स हो जाए। और 2-3 मिनट बाद जब उसमें हल्के हल्के बॉयल्स आ जाएँ, तो ये देखें इसकी जो ऊपर की लेयर है, इसको साइड पर करके हम सबको मिक्स कर देंगे अब। और अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये अब देखें, ये ज़बरदस्त से हमारी रबड़ी तैयार हो। आप लोग भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करेगा और मेरे साथ अपने पिक्चर ज़रूर शेयर करेगा। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।